मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा जन विकास आवाज से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम इस समय बैठे हैं नाला सपाड़ा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, नाला सपाड़ा ईस्ट में, जहाँ पे हमारे माने जाने मिस्टर अवधेश चतुर्वेदी जी हैं। उनसे हम वार्तालाप करते हैं लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ और अभी अनलॉकडाउन चल रहा है, जिसके दौरान लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत से लोगों को अपने गांव जाने में बहुत सी तकलीफ़ों को झेलते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके क्या परेशानियां हैं हम पूछते हैं मिस्टर अवधेश चतुर्वेदी जी से। सर जी, अपना नाम बताइए और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, किस तरह से रहना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानकारी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक बैंकर हूँ इस वक्त, और लोगों के बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग पहले जो लॉकडाउन था, पहले जो हमारे प्रशासन ने जो है इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दी हुई थी और उनकी जो सुविधाएं थी और उनके देखरेख में जितने थे वो उस टाइम पे, और अभी जो उन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं खोल दी हैं, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की खोल दी हैं, ऐसे सिचुएशन में सबसे क्रिटिकल ये चीज़ें हैं कि हमने पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व किया है कि हमको पहली बात तो कहीं भी सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती। लोग कैसे भी रोड पे टहल रहे, लोग कैसे भी अपना सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे, या फिर जो है उनकी जो भी दिनचर्या है दिन में जो भी वही सब काम कर रहे, ऐसे में लोगों ने अपने बचाव के लिए क्या किया है और सरकार उनके बचाव के लिए क्या कर रही है। सरकार ने तो चलो पहले बहुत सारी सुविधाएं दी, उन्होंने जो है हमारे प्रशासन को टाइट किया और उसके बाद हमें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, सारी सुविधाएं थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन है वो ये है कि हमको सरकार ने छोड़ दिया है, आपको जीना है तो आप अपने दम पे जियो, आपको मरना है तो आप डिसाइड करो। तो हमें तो मरना नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को कोरोना के साथ में कैसे बचाव करना है हम आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम अगर कहीं पे जाते हैं तो खुद को सैनिटाइज करें, और सैनिटाइज भी कैसे करें, अगर हम किसी से मिलते हैं तो आप 6 फुट की दूरी पे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, तो उतना डिस्टेंस हमको रखना है और मास्क कंपलसरी पहनना है। दूसरे लोगों को भी बोलना है मास्क पहनो, बिना मास्क के हमें बाहर नहीं जाना है। आप किसी से, किस व्यक्ति से कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति के पास व्यवस्थित जो हमारे कोरोना के उपचार यानी प्रिकॉशन जो है वो उनके पास उपलब्ध है या नहीं है, वो उसे बेहतर तरीके से उस उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उपयोग कर रहा है तो आप उससे सामान खरीदें और आप अपनी तरीके से भी उसका बचाव करते हुए खरीदें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसे उसका भी कंप्लेन महानगर पालिका में दें और उसका तुरंत, चाहे वो शॉप हो या ऑफिस हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, जो हमारे खाने चीज़ें की वस्तु हो या पहनने की वस्तु हो या फिर हम जो है दिनचर्या में यूज करते हुए ऐसी वस्तु हो, उसको अगर गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है या फिर कोरोना का जो प्रिकॉशन है वो नहीं लिया जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में उसको जो है गलत तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे जो है महानगर पालिका को कंप्लेंट दिया जाए और उसे तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें, हमारे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप दिन में अगर आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले गर्म पानी पिए, आर्सेनिक एल्बम 30 नामक एक होम्योपैथिक दवाई है, अगर वो आप लोगों ने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो मेडिकल पे भी उपलब्ध है और हमारे जो है डॉक्टर के, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रिकॉशन मिला है हमको, तो हमें लेना चाहिए और महीने में 3 बार ही यूज करना है, सुबह शाम खाली पेट, आधा जो है 4 गोली बड़े लोग ले सकते हैं, छोटे लोग 2 गोली ले सकते हैं इसका, और उन्हें आधा घंटा खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसको लेना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और हम अगर बाहर जाते हैं तो अपने साथ में जो है उसको लेके, और अपना, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो हमारा दिनचर्या है वो हमें अपने काढ़ा वगैरह पीना चाहिए, बना के काढ़े के जो सिस्टम है वो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है या फिर आप जो है रामदेव बाबा का सबसे अच्छा प्रिकॉशन है
उसे देखिए और उस तरीके से बना के यूज करिए। आप एक लीगल एडवाइज़र भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो हमें कुछ बताएंगे कि लीगली किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए, अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसके विषय में क्या सुझाव देंगे सरकार को, या तो आप प्रशासन के माध्यम से, आप कोर्ट के माध्यम से या लीगली नोटिस के माध्यम से बता सकते हैं, आप एक वकील भी हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एज अ लॉ, हम यही कहना चाहेंगे कि उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशन में कोई वायलेंट करता है, हमारा लॉ तोड़ता है, तो उसे पनिशेबल करना चाहिए। और हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी कार्य है कि आप इसे जो है समाज के बीच में लाएं और दिखाएं, और हमारे जो है पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेन दिया जाए, पुलिस के लोग इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और उनका काम है और वो करते हैं। और इसी के साथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो अनलॉक में जो धार्मिक स्थल खुले हैं, उन धार्मिक स्थलों के विषय में क्या बताएंगे, उन्हें इस समय परिस्थिति में खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? देखिए, ऐसी परिस्थिति में धार्मिक स्थल की बात अगर हम करें तो जो है पहली बात तो मंदिर और मस्जिद या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक की चीज़ें हों, इसके बीच में कोई विवाद नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसे खोले तो हैं लेकिन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे अभी हम अगर धार्मिक स्थल को ले लें तो हम अगर उसको उस पर अगर हम रोक लगाना कहें तो इससे अच्छा फिर तो हम मार्केट में भी निकलते हैं, जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जिस तरीके से मार्केट में आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे ही मंदिर के सामने, हमें तो भगवान के सिर्फ चरण ही पढ़ने रहते हैं तो दूर से भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस भीड़ नहीं करना चाहिए, जो हमारे गवर्नमेंट ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जहाँ तक माना जाता है कि भारत में आबादी है, आबादी के हिसाब से ना तो हॉस्पिटल फैसिलिटी है ना मेडिकल फैसिलिटी है, इसके विषय में आप क्या सुझाव देंगे कि लोगों को किस तरह से रहना चाहिए? और दूसरी चीज़ है कि इसी के साथ क्या हमारे धार्मिक स्थल जो हैं ये क्वारंटीन में परिवर्तन कर देना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? देखिए, आज जो विपत्ति हमारे देश पर आई हुई है, ऐसे सिचुएशन में अगर हमें उस हद तक मतलब जाना पड़ा तो पहले तो हमारे हम धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो आस्था है भगवान के प्रति वो तो पहले से ही है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, सबसे बड़े वही हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हमारे जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जीवदानी ट्रस्ट है या फिर आप तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है या फिर बहुत पैसा है इन लोगों के पास, ये आगे अगर आते हैं तो हमारे देश पर ऐसी विपत्ति आ ही नहीं सकती है। और अगर ऐसी भी परिवर्तन करना पड़ा तो इंसान के जीवन से, या पहला हमारा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, उसके बाद बाकी धर्म है, तो करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे चैनल के सामने आए। इसी के साथ मैं कैमरामैन अरविंद के साथ ब्रह्मवासी विश्वकर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।